श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने दो तीन व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है, धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर, अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, दो बार चार बार छह बार व्यापार बदल के देख लिया, और कर्जा बढ़ रहा है पर व्यापार भी नहीं चल रहा, फैक्ट्री डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया, जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा, तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए, पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो, और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हटकेश्वर महादेव का नाम लेते, कौन से महादेव जम के बोलो जरा, हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है, और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाए, उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी, और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा, संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप पूरा उपाय अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आप पूरा उपाय अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज के उपाय की बात करें उससे पहले हमेशा की तरह वीडियो को करें लाइक, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के उपाय की बात करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, या अन्य कोई भी आपकी समस्या है, तो आप ये उपाय प्रदोष के दिन कर सकते हैं। यह उपाय प्रदोष के दिन करने का होता है। इस उपाय के लिए आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक धतूरा चढ़ाना है। धतूरा चढ़ाने का भी नियम है, उस नियम का आपको खास ध्यान रखना है। शिवलिंग के जिस दिशा में आप बैठे हैं उस दिशा की ऑपोजिट साइड, उलट साइड धतूरे की डंडी को आपको रखना है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, अपनी साइड धतूरे की डंडी को नहीं रखना, जिस साइड आप बैठे हैं उससे उलट साइड में आपको धतूरे की डंडी को रखना है। धतूरा चढ़ाने के बाद आपको एक लोटा जल महादेव को समर्पित करना है, उसी धतूरे के ऊपर धीरे धीरे वह जल आपको चढ़ाना है, साथ में अपने मन की बात महादेव से करते हुए हटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना है। जल चढ़ाने के बाद जो आपने धतूरा चढ़ाया था वह धतूरा लेकर आपको घर पर आ जाना है, और अपने घर में लाकर वो धतूरा रख लेना। महादेव ने चाहा तो आपका काम अवश्य पूरा होगा, जो भी आपकी समस्या होगी वो महादेव जल्द से जल्द हल कर देंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कृपया कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट दूसरों को फायदा करता है, दूसरे लोगों को पता लगता है कि किस उपाय से क्या लाभ होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम।